मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा अहम थी, इसलिए मैं उस लड़के से आशिकी माशूकी वाला सिलसिला नहीं रखना चाहती थी, ना उससे शादी का सोच सकती थी। मगर वो सख्त जज्बाती किस्म का लड़का था और उसने मेरी बातचीत का वही मतलब लिया जो मुझे पसंद नहीं था। ये ठीक है कि उसने बदनाम तो नहीं किया, और लेकिन अपने घर वालों से कह दिया कि मैं नबीला से शादी करूँगा। वो मौत का ख्वाहिशमंद भी था और ज़िंदगी का दामन भी नहीं छोड़ना चाहता था। ये ज़िंदगी है ही बड़ी अजीब चीज़, चाहे इससे कितनी भी नफरत की जाए, इसे कितना ही धतकारा जाए, इससे कितना ही भागा जाए, लेकिन जब तक मौत का पल्ला भारी हो जाता है, इंसान ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। वो खौफजदगी के आलम में था और बोतल उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसका सर सोफे के हत्थे से ऐसे टकराया जैसे पाश पाश हो गया हो। नाज़रीन गिरामी, मैंने आपको दो इक्तबासात सुनाए और ये दोनों इक्तबासात मैंने आपको खालिद मुईन साहब के नावल गफूर से सुनाए हैं। खालिद मुईन साहब का ताल्लुक कराची से है, वो हमारे देरीना दोस्त हैं हमारे, उनका सहाफत से भी उनके साथ वाबस्तगी है, शायरी से भी वाबस्तगी है। सो जैसे एक ये ताल्लुक पैदा हो जाता है कि जैसे हम भी सहाफत और शेर व अदब के साथ जुड़े हुए हैं, तो खालिद साहब भी इसी तरह सहाफत और शेर व अदब के साथ जुड़े हुए हैं। तो खालिद मुईन साहब की किताबें जो हैं वो शायरी में भी उनके एक से ज़्यादा मजमू हैं और नसर में भी खालिद की 6 किताबें नसर में हैं और शायद इतने ही उनके शेरी मजमूए हैं। ये नावल जो है गफूर, जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नावल दरअसल मौत और मोहब्बत की कहानी है, मौत मोहब्बत तन्हाई। और ये हमने आज से 4 साल पहले हम जिस एक खौफ के आलम से गुजरे, हम जिस कोरोना वायरस का शिकार हुए और जिस कोरोना ने हमारे यहाँ बहुत से दोस्त हमसे छीन लिए, ये उस वायरस के माहौल में लिखा हुआ एक नावल है। और दरअसल इसमें आप देखें कि जब हम तन्हाई का शिकार हुए थे और हम अपने घरों में दुबक गए थे और हम खौफजदा हो गए थे, तो फिर वहाँ एक बड़ा तख्लीकी वफूर भी शामिल होता है हमारी ज़िंदगी में। तो ये वफूर जो है, ये उस तख्लीकी वफूर से ज़हूर हुआ इसका, जिसमें खालिद मुईन तन्हाई में रहे और खालिद मुईन ने अपनी उस तन्हाई को इस कागज़ और कलम संभाला और उसे एक नावल का रूप दे दिया। गिल्डो पे पब्लिकेशंस ने उनका ये नावल शायद किया है और ये 200 के करीब सफ़ात हैं इसके, और 218 सफ़ात हैं, और 218 सफ़ात के इस नावल की कीमत 1000 रुपये हमने रखी है। और अगर आप बरह-ए-रास्त मंगवाएंगे तो हम आपको ये कीमत, ये नावल रियायती कीमत पर इरसाल करेंगे। आपको रابطہ नंबर बता दूँ, 03186780423। इस नंबर पर रابطہ करके आप हमसे ये नावल हासिल कर सकते हैं। गिर्दो पेश रजी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।